जानवर भूखे रह जाते हैं। मनुष्यों के लिए तो देखिए असंख्य सैकड़ों की संख्या में लगते हैं भंडारे, लेकिन जीवों को लोग वहां पर भी धक्के देते हैं, मारते हैं और जूठन भी खाने को नहीं मिलती है उनको, क्योंकि नगर निगम पूरा उठाता है और उसको डंप कर देता है। तहजीब और अदब का शहर लखनऊ अपनी कई अदाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है बड़े मंगल का त्योहार। ज्येष्ठ के पूरे महीने में हर मंगलवार और शनिवार को पूरे शहर में आपको पंडाल दिखाई देंगे, जहां भंडारे का आयोजन होता दिख रहा होगा। इन पंडालों में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। बड़ा मंगल बीते कई सालों से लखनऊ की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन इस बार ये त्योहार कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार जानवरों और पशु पक्षियों के लिए भी खास पंडाल लगा है और इस पंडाल में भंडारे का आयोजन किया गया है। लेकिन ये भंडारा इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशु और पक्षियों के लिए है, जहां मेन्यू में आपको फल, हरा चारा, खिचड़ी जैसी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। शायद आपको ये सुनकर यकीन ना हो, तो चलिए आपको ले चलते हैं जीव आश्रय द्वारा आयोजित इस भंडारे में। मैम, हर साल लखनऊ में बड़ा मंगल बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। जगह जगह पंडाल लगते हैं और भंडारे होते हैं। ऐसे में जीवों के लिए अलग से भंडार मतलब ये इंतज़ाम करवाना, उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करना, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आपने कहा सोचा कि ये शुरू करना है? देखिए, मनुष्यों के लिए तो सब कुछ उपलब्ध है, डॉक्टर भी हैं, दवा भी हैं, अस्पताल भी हैं, सुविधाएं भी हैं, लेकिन जीवाश्रय शुरू से ही 2011 से जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, तब से हमने पशुओं के लिए अलग तरीके से ही काम किया है हमेशा। चाहे आप देखिए, हमने निःशुल्क जो इनको चिकित्सा दी है सड़क के जानवरों को, और या फिर हमने जो है कोरोना टाइम में सारे जानवरों को खिलाया, और यहाँ पर लखनऊ शहर में हमने भूख से किसी को मरने नहीं दिया, चिकित्सा भी दी। तो जीवाश्रय शुरू से ही जो है एक अलग सोच लेके चला है, और पिछले 3 सालों से हमारे और अमित जी के दिमाग में यही एक बात थी कि कुछ अलग किया जाए। तो ये था कि इनकी कौन सुनेगा, और बजरंगबली स्वयं में देखिए कपि महाराज हैं, वानर महाराज हैं, तो उनको वो हम सब पर असीम अनुकंपा है इस उसकी कि हम सब महादेव को मानते हैं, और बजरंगबली के नाम पे लखनऊ में जो बड़ा मंगल पे भंडारा होता, तो ये पिछले लंबे समय से हमारे दिमागों में थी कि हमें जानवरों के लिए कुछ करना है, क्योंकि भंडारों की लाइनों में हमने देखा है कि जानवरों को मारा जाता है, उनको भगाया जाता है। तो चूंकि कहा जाता है कि इंसान जो है, मानव जो है, वो सर्वश्रेष्ठ पशु है, तो हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जानवरों के इस भंडारे में जानवरों के लिए क्या है आपके मेन्यू में? देखिए, हमारे मेन्यू में सब कुछ है। हमारे मेन्यू में अगर हम गौ माता से बात करें, गौवंश के लिए हमारा तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तरोई है, बंद गोभी है, इतना तो हमने गौवंश के लिए, और हरा चारा जो कि शहरों में बहुत दुर्लभ है, हरा चारा विशेष तौर पर हमारी गौशाला से आता है उनके लिए। इसके अलावा कुत्तों के लिए हमने खिचड़ी बनाई है, न्यूट्रीला चावल, और इस बार विशेष तौर पर हल्दी और छाछ के साथ, क्योंकि गर्मियां हैं और कुत्ते खाना कम खाते हैं, तो हमने कोशिश ये करी है कि छाछ उनको दें, क्योंकि दूध उतना फ़ायदा नहीं करता है श्वानों को, तो छाछ देने की कोशिश करी है। तो ये है, बंदरों के लिए फल है, हर तरह का फल है, केला भी है, तरबूज भी है, खरबूज भी है, पर्याप्त मात्रा में है, और हम अलग अलग क्षेत्रों में शहर के जाते हैं। पिछले बार भी हमारे सारे वॉलेंटियर और हमारी संस्था के लोगों ने बहुत जाके कुकरैल के जंगलों से लेके बंधा, गोमती नगर एक्सटेंशन, ऐसी ऐसी जगह, जुगोली क्रॉसिंग पे इन्होंने बताया कि तकरीबन 100 गायें आ गई थी। सोचिए कि हम जहाँ पर अपने आप को समृद्ध समाज बताते हैं, विकसित समाज बताते हैं, उस समाज में जीव जो है वो भूखा है, ये हमारे लिए थोड़ा अफसोसनाक बात है। और जितना सहयोग लोगों से मिल रहा है, वॉलेंटियर से मिल रहा है, लखनऊ से और मीडिया से जो सहयोग हमें मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी एक नई परंपरा जो चालू हुई है बहुत अच्छी जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। सपोर्ट करना है जीवाश्रय को, तो कैसे आप तक? नहीं, जीवाश्रय को सपोर्ट करने के लिए देखिए, ये बहुत सारे मीडियम हैं, हम सोशल मीडिया पर हैं, और हम तो लखनऊ शहर से कहना चाहते हैं कि देखिए, हमें मोनेटाइज करवा दीजिए यूट्यूब पे, ताकि ये संस्था जो हमारी है, ये किसी भी
ये तो टोटल लोगों के सहयोग से चलती है, उनके दान पे। उनसे देखिए, इसमें चावल भी लोगों ने दान में दिया है, मठा भी लोगों ने दान में दिया है, सब्जियां भी लोगों ने दान दी हैं। हम कहीं से किसी से कोई कैश नहीं लेते, हम कहते हैं कि आप दे दीजिए। हाँ, जो लोग दूर हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं तो दूसरे शहर में हूँ, तो हम उनको, हमारा QR कोड है, आप उसको स्कैन करिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप एक ही साथ चले जाएंगे, और उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप किस किस तरीके से हमें मदद कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर पाएं, देखिए, अगर आप वित्तीय रूप से कुछ नहीं कर पाएं, सब्जी नहीं ला पाएं, तो सबसे बड़ी मदद ये है कि आप वॉलंटियर के रूप में हमारे पास आइए, हमारे साथ काम में हाथ बटाइए, और जाते हुए अपने मोहल्ले के श्वानों के लिए, गौवंश के लिए हमसे ये प्रसाद रूपी भंडारा लेके अवश्य जाएं। बस ये हमारा निवेदन है।